अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें आप लोगों के साथ कुछ शॉपिंग शेयर करूँगी जो मैंने रूहान और हस्बैंड के लिए बाय की थी। तो जी, शॉपिंग देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी, हम लोग गए थे तकरीबन दोपहर में गए थे शॉपिंग करने। जिस दिन हम गए थे उस दिन वेदर थोड़ा ख़राब था, तो हमने कहा टाइम से ही करके आ जाते हैं, तो अदरवाइज़ रात को ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन रात को जो है ना, हमें स्टफ़ अच्छा नहीं दिखता, सही से नहीं दिखता। तो ये एक सूट लिया था। तो जब मैं कपड़े लेती हूँ ना, तो पहले लाइक दूर से मैं कलर दे के ट्रैक करती हूँ या उसका डिज़ाइन दिखता है, देन मैं उसका स्टफ़ देखती हूँ, लास्ट पे मैं उसकी प्राइस देखती होती हूँ। इस तरह से ना कपड़े बहुत अच्छे से लिए जा सकते हैं। अगर हम पहले प्राइस देख लेना तो फिर बाद में लाइक दिल कभी करता है कभी नहीं करता। तो पहले मैं स्टफ़ देखती होती हूँ, कलर देखती होती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि कितने का है। तो इसका ये जो अंदर का स्टफ़ था ना, इसकी मुझे टाई मिल जाती तो मज़ा आ जाता, लेकिन मुझे वहाँ पर नहीं मिली फ़िलहाल। लेकिन आगे मैं फिर सर्च करूँगी, अगर इस तरह की कोई मिली तो मैं ज़रूर लूँगी। तो मुझे इसका जो है कलर बहुत अच्छा लगा था, स्टफ़ भी बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद ये एक सेकंड सूट लिया था, ये भी रॉयल टैग से ही लिया था, जो पहले है वो भी रॉयल टैग से लिया था। तो इसका भी मुझे कलर भी अच्छा लगा था, और इसके ऊपर जो है ना हल्का हल्का से ये रेड वाले स्टिचेज हैं, ये भी अच्छे लग रहे थे। और ये जो रेड है ना, ये एक यहाँ पे भी इसके कॉलर पे भी लगा हुआ था, और इसमें जो है इसी धागे के स्टिचेज भी थे कढ़ाई टाइप के हुए, तो वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। लाइक ये कैजुअली भी पहना जा सकता है और हम इसको फॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने जो है ऑफिस में यूज़ करने होते हैं, तो ये उसके लिए अच्छे थे। लाइक ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, नॉर्मल रेंज में थे। तो ये मैंने ऑक्सफोर्ड से एक शर्ट ली थी। इनकी जो है ना, मोस्टली जो शर्ट मैं ऐसे लेती हूँ, लाइन में लेती हूँ, उसको क्या बोलते हैं डिज़ाइन को, मुझे एग्जैक्ट नहीं आता, लेकिन ये ऐसे लाइन होती हैं बनी हुई, इस तरह से लेती हूँ, या फिर मैं प्लेन में लेती हूँ। मैंने कभी भी वो जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, चेक वाली शर्ट, आई थिंक वो जैसे डिब्बे से बने होते हैं, वो वाली नहीं लेती हूँ, उसमें ये मोटे लगते हैं। तो ये इस तरह की जो होती है ना, इसमें पतले से थोड़े हैंडसम लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं ये वाली बाय करती हूँ, इस तरीके की डिज़ाइन हो या फिर प्लेन हो। तो ये मुझे कलर भी अच्छा लगा था, और लाइनिंग थी, तो ये गर्मियों में भी चल जाएंगी, नॉर्मल मौसम में भी चल जाएंगी, इवन के पैंट कोट के नीचे टाई के बगैर भी यूज़ हो सकती हैं, तो ऑफिस में ठीक रहती हैं ये। और उसके बाद जो है मैंने ये एक जीन्स की, इसको अपर बोलते हैं या जैकेट बोलते हैं, जो भी, ये मैंने बाय की थी। तो ये भी मुझे अच्छी लगी थी, मुझे ब्राउन कलर, येलो कलर, इस तरह के जो कलर्स होते हैं ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं, लाइक ग्रे स्किन इस तरह के, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने देखी। और इसकी जो मेन चीज़ थी वो थी कि ये फिटिंग में थी, तो ये पहनी हुई जो है ना बड़े हैंडसम लग रहे थे माशाल्लाह। इनके एल्बो पे जो है इस तरह का कपड़ा लगा हुआ था, और ये मुझे बहुत पसंद आई थी। इसको जो हम जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, ट्राउज़र शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं, जो टी शर्ट होती है ना उनके साथ साथ जीन्स पहन के, और हम इसको शलवार कमीज़ के साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये मैंने रूहान के लिए लिया था एक सूट, ये वाइट कलर में ले लिया मैंने, बट मुझे वाइट कलर भी अच्छा लगता है। तो ये मैंने एक ले लिया था, और इसके ऊपर लियो लिखा हुआ था, जो मेन था लियो लिखा हुआ था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। लियो मेरा हॉरोस्कोप है और मुझे बहुत पसंद है लियो, दैट्स व्हाई आई हैव बॉट इट। और उसके बाद जो है ये मैंने एक लिया था, ये जैकेट थी, हुड थी, जैकेट थी शायद, जैकेट ही बोलते हैं इसको आई थिंक। तो ये ऐसे जिप वाली थी, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट स्टफ़ था, और जो ऊपर से है ना ये वाटर प्रूफ था। इसका जो मेन रीज़न था मैं लेने का, कि वाटर प्रूफ है ना, बच्चे खाना शाना खाते हैं तो गिरा देते हैं लाइक शर्ट के ऊपर, मुझे इसको बार बार वॉश नहीं करना पड़ेगा, कोई वेट वाइप लिया या वैसे कपड़ा लिया तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर सकती हूँ। तो ये हो गई एक, और ये इसके साथ जो पैंट है ये भी काफ़ी सॉफ्ट सी थी, ये मैंने एक ली थी। यहाँ ये जो सेल है ये से मैच हो रहा था कलर। तो उसके बाद एक ये लिया था, ये मुझे पैंट जो है ये बहुत क्यूट लगी, बहुत क्यूट लगी, लेकिन मुझे लगता है ये वाले जो है ना प्रिंट, ये धोएंगे ना जब दो चार बार,
तो ये उतर जाएंगे आई थिंक, या ख़राब हो जाएंगे, वो तो चलें देखेंगे और धोएंगे। तो और ये एक येलो लिया था, येलो देख के भी मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाजुओं पे स्ट्रिप्स हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट स्टप जो है स्टफ है। और ये जो पैंट है ना, ये सिंपल जीन्स की थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इधर सेल 70% ऑफ लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी नहीं था। ये सर्दियों के एंड में आई थिंक सेल में आएगा, तब भी हम ख़रीदेंगे नेक्स्ट सर्दियों के लिए। तो और एक ये वाला था फ्लफी सा, ये बहुत अच्छा लगा था। ये मैंने डार्क कलर में लिया है, मैंने कहा सारी लाइट में ले जा रही हूँ तो बच्चे गंदे कर देते हैं फ़ौरन से, तो ये मैंने डार्क कलर में लिया है, ये जल्दी गंदा नहीं होगा और ये फुल सर्दियों में पहना जाएगा। ये 3 पीस था, एक नीचे ऐसे शर्ट थी, ऊपर से इस तरह से हुड बनी हुई थी स्लीवलेस, और इसके ऊपर बियर बना हुआ था, सॉफ्ट सा स्टफ था, बहुत ही अच्छा। और इसकी कैप बहुत मज़े की है, ये देखिए कितनी क्यूट है, ये बहुत मज़े की थी। और इसके बैग पे जो है वो भी एक बैग बना हुआ है क्यूट सा, उसके ऊपर भी बियर है, हैंडसम सा बियर है, क्यूट। जो फ्रंट पे थे वो क्यूट थे, ये वाला हैंडसम है आई थिंक। तो ये इस तरह से बैग है और ये मुझे बहुत अच्छा, बच्चों के कपड़े बहुत 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 अच्छे होते हैं, लाइक दिल करता है पूरी शॉप ही उठा के ले आओ। तो ये था, और इसके साथ जो ट्राउज़र था उसके ऊपर भी बियर बना हुआ था, वो भी आगे दिखाऊंगी। और ये जो है ना, ये इस तरह से फोल्ड हो सकते हैं, लाइक अगर बच्चे के बड़े हैं फोल्ड कर लें, अगर छोटे हैं तो इसको एज इट इज़ यूज़ कर लें। तो ये 2 साल चल जाएगा, लाइक ये वाली सर्दियाँ और अगली सर्दियाँ भी चल जाएगा। यू नो मम्मा को समझदार होना चाहिए कि बच्चों के ज़्यादा कितनी देर तक हम पहना सकते हैं। शॉपिंग करने के बाद हम लोग रात को फिर से गए थे दोबारा, क्योंकि वहाँ पे एक 2 पीस सूट देखा था, बहुत अच्छा लगा था हमें तो, लेकिन वो थोड़ा उसमें रेड कलर का थोड़ा सा काम था, तो फैंसी में थोड़ा जा रहा था तो इन्होंने नहीं लिया, क्योंकि ऑफिस में पहने होती है ज़्यादातर, कोई फंक्शन वगैरह तो इतना आ नहीं रहा था तो। लेकिन वो बहुत पसंद आया था, हम लोग छोड़ आए थे, फिर हम दोबारा गए कि कोई बात नहीं ले लेते हैं, ऑफिस में भी पहना जाएगा, इतनी भी अब बात नहीं है। तो हम लोग भी रात को दोबारा से गए थे वो 2 पीस लेने। रात को ये रोशनियाँ कितनी प्यारी लगती हैं, लेकिन ये दूर दूर से प्यारी लगती हैं, अपना घर ही सबसे ज़्यादा अच्छा। लेके के वापस आए थे लाइट, ये मैंने फ्लैश ऑन किया हुआ था, तो इस तरह का कलर था, इसका कलर भी बहुत प्यारा था, ना ये ब्लैक था ना ब्लू था, थोड़ा डार्क कलर में था। तो इसके ऊपर जो है ना, ये रेड कलर का थोड़ा सा काम हुआ था, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी था, एक डेली पहनना होता है ऑफिस में तो इतने एक्सपेंसिव नहीं लेते, ये फंक्शन के लिए लेते होते हैं। हमने कहा फंक्शन भी आ ही जाएगा, इस पर डबल काम था, एक तो वो जो मैंने आपको पहले ब्लू कोट दिखाया था ना, उस तरह के स्टिचेस थे, और एक जो है रेड, इसको नहीं मरून कहेंगे, मरून कलर के थे, और इसके साइड्स पे भी इसी तरह से स्टिचेस थे, तो काफ़ी अच्छा था। तो आई थिंक इसके साथ ये जो मरून है ना, इस कलर की शर्ट या फिर इस कलर की जो हम टाई ले लें तो वो बहुत सूट करेगी, लाइक इसी कलर में शर्ट और मरून कलर की टाई, आई थिंक ये वाला कम्बो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये फंक्शन वगैरह पर भी पहना जा सकता है और ऑफिस में भी पहना ही जाएगा आई थिंक। ये देखिए इस तरह का यहाँ पे था, डबल स्टिचेस थे, पुराना जो हमने ब्लू लिया था उस पर सिंगल थे, इस पर मरून डाल के डबल हो गए थे, लेकिन ये बहुत अच्छा था, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये 2 पीस है, सा पैंट है और कोट है बस। तो ये भी रॉयल टैग से लिया था, और ये जो है हम लोग फिर रात को डिनर कर रहे थे, शॉपिंग से पहले मैंने ग्रेवी बना ली थी, चिकन को मैरिनेट करके मैं रख गई थी, क्योंकि आके फिर दिल नहीं कर रहा होता काम करने को, फिर बाहर से खाना पड़ता है, मैंने कहा बाहर से ना ही खाया जाए। तो फिर ये हमने डिनर किया था, इसके साथ आते हुए हम लोग तंदूर वाली जो रोटियां होती हैं ना, वो बहुत मज़े की लगती हैं, वो ले आए थे, और आके मैंने इसको फ्राई किया था, और साथ हमने ग्रेवी ली और खाना डिनर किया था। तो जी यही था आज का व्लॉग, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। बेल आइकन पे जो है ना क्लिक करके ऑल पे हमने क्लिक करना है उसके बाद। तो जी अल्लाह हाफिज़।